पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 8वीं बार रौंद कर भारत की टीम अब बांग्लादेश के साथ मैच खेलने के लिए पुणे में दाखिल हो चुकी है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के गहुंजे स्टेडियम पर यह मैच होगा, जिसमें भारत का बांग्लादेश से आमना सामना होगा। पिछले 3 मैचों में जिस तरह से भारत खेला है, पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने रौंदा है, ये देखते हुए न्यूजीलैंड से मात खाकर आई बांग्लादेश की टीम पर भारत काफी भारी है। भारत का पलड़ा भारी होने के बावजूद ये मैच टीम इंडिया हल्के में नहीं ले सकती। वजह भी वैसी ही है, सारी मैचेस जीतकर एक नंबर के पायदान पर पहुंची टीम इंडिया की जगह इस मैच में रन रेट क्या कायम करती है उस पर जारी रहेगी। अगर रन रेट वही रखने में टीम इंडिया कामयाब हुई, तभी नंबर एक की पोजीशन वर्ल्ड कप में टीम के बतौर भारत रख सकता है। और इसी की वजह से अब बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाला ये मैच जो है, ये काफी रोमांचक होने वाला है। टीम इंडिया की मैनेजमेंट ने आज सुबह से ही स्टेडियम पर प्रैक्टिस की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू की है। पुणे में जिस होटल में टीम इंडिया रुकी हुई है, वहां पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। हालांकि इसके बाद अब स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस करने वाली टीम इंडिया के साथ कल मैच के दिन क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन अब पुणे ये रोमांचक मैच देखने के लिए काफी उत्सुक है। पुणे से वैभव सोनवणे की रिपोर्ट।